तो हेलो एवरीवन, एज यू ऑल नो दिस इज निहारिका तिवारी। सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो रिलेटेड टू योर सीरीज, दैट इज न्यू सीरीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इससे पहले वाले बहुत सारे जो आपकी प्लेलिस्ट है वो बन चुकी है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को लेके, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को लेके। अगर आपने नहीं चेकआउट करी है तो डू चेक इट, डू चेक आउट, राइट। सो इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो नई सीरीज का करेंगे, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो आप लोगों ने बोला था कि इस सीरीज से भी क्वेश्चंस, इस सीरीज के भी जो टॉपिक्स हैं वो, जो सिलेबस है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, वो हम कवर कराएं। तो इसको हम शुरू करने वाले हैं। सो आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट आप देख लेंगे, बन जाएगी। वहां से आप सारे टॉपिक को एक एक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज जो है वो बेस रखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये बेस स्टार्टिंग से ही होगा अगर आपका, तो ज्यादा आपको हेल्प होगी कि ह्यूमन रिसोर्स हाईलाइटे है मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ा, इससे पहले हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे करना। अब यहाँ है मैनेजमेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शंस क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी वर्कर्स हैं, जो भी इम्प्लॉयज हैं, उनका मैनेजमेंट करना प्रॉपरली, ठीक है, वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें आएगा क्या क्या वो देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजिक और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है टू मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट वैल्यूबल एसेट, दैट इट्स पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे वैल्यूबल एसेट क्या है, लोग। क्योंकि देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग अच्छे होंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लोग डेडिकेटेड होंगे, अच्छी कैपेबिलिटी, नॉलेज, स्किल वाले होंगे, तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को जो गोल है, टारगेट है, अचीव करने में हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। तो वैल्यूबल एसेट क्या है आपका, वो है पीपल। पीपल को ही, जितने भी आपके फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, जितना आपका रॉ मटेरियल है, फिजिकल रिसोर्स है, वो सब उन्हीं को यूज कर। तो उनके उनका होना, अच्छा होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे वैल्यूबल एसेट है, ठीक है। तो इसी के लिए ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है कि इनको हमें कैसे क्या करना है, मैनेज करना है। इट इन्वॉल्व द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय लाइफ साइकिल, फ्रॉम रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन टू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजमेंट। देखो, इनका पूरी इंप्लॉय की जितनी भी लाइफ साइकिल है, उन सारे एस्पेक्ट को हमें मैनेज करना है। मतलब उसका सिलेक्शन को मैनेज करना है, उसको पहले रिक्रूट किया उसको मैनेज करना है, सिलेक्शन को, ट्रेनिंग डेवलपमेंट कैसे देनी, उसकी परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट करना है भाई, कंपनसेशन, इंप्लॉय के रिलेशनशिप अच्छे हैं या नहीं उसको मैनेज करना, ये सारी चीजें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत क्या करना होती है, मैनेज करनी होती है। द प्राइमरी गोल ऑफ एचआरएम इज टू इंश्योर दैट ह्यूमन रिसोर्स, दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज द राइट पीपल विद द राइट स्किल, एबिलिटी एंड एटीट्यूड इन द राइट पोजीशन। क्या एक एम है कि प्राइमरी गोल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सबसे पहले तो सही लोग हों, राइट पीपल हों, राइट स्किल एबिलिटी के साथ हों और राइट पोजीशन पे हों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन जिसकी अच्छी स्किल है, जो राइट स्किल है, मान लो किसी और चीज में अच्छा, आप उसको कोई और काम दे दे, नहीं, राइट स्किल वाले को राइट पोजीशन में रखना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो एफिशिएंटली अचीव हो पाए, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी एस्पेक्ट हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स के, उसको मैनेज करता है, जो कि शुरुआत होते हैं रिक्रूटमेंट से, सेलेक्शन से, ट्रेनिंग डेवलपमेंट से, कंपनसेशन से, रिलेशन से, इन सारी चीजों को मैनेज करना है ताकि हम एक राइट पर्सन को राइट प्लेस पे, राइट पोजीशन में रख के अच्छा काम करवा पाए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर पाए। की कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम, यहाँ पे आते हैं कि क्या की कॉन्सेप्ट है एचआरएम के। पहला है रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, क्या क्या चीजें हम एचआरएम में करते हैं। पहला हमने कहा था ना, लाइफ साइकिल कहाँ से शुरुआत होगी, आपके रिक्रूटमेंट और सेलेक्शन से। पहले तो आप उन्हें हायर ही कर लो, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे फर्दर हमें क्या क्या मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए पहला है आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एचआरएम इन्वॉल्व अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट, असेसिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर जॉब। आपको क्या करना है, ऐसे कैंडिडेट हायर करने हैं जो क्वालिफाइड हो, मतलब जो भी आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग क्या हो, सुटेबल हो, वो स्किल उनके पास हो जो आपको अपनी जॉब में चाहिए। असेसिंग देयर सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, सेलेक्टिंग द बेस्ट फिट एम्प्लॉय फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको सबसे पहले यहाँ मैनेज करना है कि आप वैसे एम्प्लॉयज लाओ जो कि आपके लगे आपको कि बेस्ट फिट है ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन या रोल के लिए जिसके लिए आप हायर कर रहे हो। नेक्स्ट जो मैनेज करना है वो है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब ये सारी चीजों को मैनेज कर रहा है। तो एच आर एम प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू एनहांस एम्प्लॉय स्किल, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसीज, विच नॉट ओनली बेनिफिट द इंडिविजुअल बट ऑल्सो इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। जो एच आर एम है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है, इम्प्लॉय की जितनी भी स्किल्स हैं, नॉलेज है, कॉम्पिटेंसी है, उसको और इन्हांस करता है।
देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, उनके अंदर ऐसा तो है नहीं कि वो स्किल नॉलेज बिना लिए आ गए, ऐसा तो है नहीं। आपने तो देख के ये इनको हायर किया है कि हाँ ये चीजें हैं, इनमें स्किल है, नॉलेज है, लेकिन आपको लगता है आप उसको और थोड़ा और बेहतर कर सकते हो उस नॉलेज और स्किल को, तो आप क्या करोगे, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम दे दोगे। उस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम से उस इंडिविजुअल को ही बेनिफिट नहीं होगा, आपकी भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि आपको लगता है इसके अंदर स्किल है, मान लो इसके अंदर जिस काम के लिए मैंने किया हायर, इसके अंदर वो स्किल है, लेकिन हम उसको और शार्प कर सकते हैं, तो हम उसे शार्प करेंगे, उससे हमें भी फायदा होगा, वो और अच्छा परफॉर्म करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा प्रॉफिट, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, मतलब कि आपको टाइम टू टाइम उस एम्प्लॉय को देखना है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसको फीडबैक देते रहना है, और गोल सेट करने हैं जो उसको अचीव करने हैं। ठीक है, तो हमने उसको पहले हायर किया, देखा ऐसा सुटेबल कैंडिडेट हायर करना है, इसलिए हमने पूरा मैनेजमेंट बैठाया, फिर मैनेज करते करते हमने उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट दी, फिर उसकी परफॉर्मेंस को भी हम मैनेज करते रहे, ऐसा नहीं कि ला के रख दिया, ट्रेनिंग दे दी, अब क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, मतलब है देखो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, फीडबैक दे दो ताकि वो और इम्प्रूव कर दे जहां पे उसको जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट। कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट आता है इसके अंदर एक एस्पेक्ट जिसपे हम काम करते हैं एचआरएम में, कि इट डिजाइन एंड एडमिनिस्टर फेयर एंड कॉम्पिटेटिव कंपनसेशन पैकेज इंक्लूडिंग सैलरी बोनस बेनिफिट एंड अदर रिवॉर्ड टू अट्रैक्ट मोटिवेट एंड रिटेन टैलेंटेड एम्प्लॉइज। अब आपको क्या करना है, जो भी कंपनसेशन बेनिफिट है, अब देखो वो फ्री फंड के लिए तो काम करने आया नहीं है, आया है तो कुछ ना कुछ लेके जाएगा, तो आप देखोगे कि आपको सैलरी कितनी देनी है, बोनस क्या दे सकते हो, बेनिफिट उसको क्या दे सकते हो, कैसे रिवॉर्ड दोगे ताकि आप उसको अट्रैक्ट कर पाओ, मोटिवेट भी करते रहो, क्योंकि आपको पता है कि पैसों से कौन नहीं मोटिवेट होता है, तो अच्छी सैलरी पैकेज है तो ऑब्वियस वो मोटिवेट होगा, और टैलेंटेड एम्प्लॉयज को रिटेन कर पाओगे उसके थ्रू। तो इसको भी मैनेजमेंट करना होता है इसके अंदर, एम्प्लॉय के रिलेशन को, मैंने कहा था एम्प्लॉय के रिलेशन को भी मैनेज करोगे, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज के रिलेशंस हैं। ठीक है, एचआरएम हैंडल एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एंड मेंटेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, मतलब कि जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, वो आपको मेंटेन करना है, कि आपस में अच्छी बातचीत हो, कोई भी आपस में लड़ाई वड़ाई ना हो, उसको मैनेज करो कि ना हो, देखो हैंडल करो, उनको कोई दुखड़े हैं उनके तो सुनो, उनको सॉल्व करो, उनको अच्छा एनवायरनमेंट हो, ये भी आपको करना है, ये भी आपको मैनेज करना है इसके अंदर। लीगल कंप्लायंस क्या हो सकते हैं, एचआरएम इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन कंप्लाइज विद एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशन टू अवॉइड लीगल इश्यूज एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम को ये भी देखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं, लीगल लॉ हैं, गवर्नमेंट के थ्रू या जिसके थ्रू, वो आपको फॉलो करने हैं, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट लॉ होंगे कि आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये चीज़ें ध्यान देनी है, आपको मतलब कोई उनका हैरेसमेंट नहीं करना है, आपको उनको ऐसा नहीं आप उनसे ज़्यादा वर्क करवा रहे हो, पैसे कम दे रहे हो, ये सब नहीं होगा, आपको लीगल इश्यूज़ को देखने हैं, उनको ध्यान रखते हुए करने हैं, कोई भी लीगल इश्यू है तो उसको अवॉइड भी करना है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, लॉ भी फॉलो करना है, कोई भी लीगल के अगेंस्ट नहीं जाना है आपको, ताकि आप दोनों ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों के राइट को प्रोटेक्ट कर पाओ। तो हम देखो एचआरएम में इन सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं, रिक्रूटमेंट पे लाए हो, कैसे लाए हो, ट्रेनिंग दी, उसको मैनेज करो, परफॉर्मेंस को करो, बेनिफिट देखो, कंपनसेशन, उसके रिलेशन, वो वर्क कर रहा था उसके आस पास के साथ उसका संबंध भी अच्छे होने चाहिए, उसके साथ कुछ गलत ना हो, लॉ को देखते हुए हमें काम करना है, उसको भी मैनेज करना है। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरएम। देखो जो भी कॉन्सेप्ट है ना, वही आप फंक्शन में भी लिखोगे, तो जितना भी आए आज एग्जाम में कि एचआरएम एक्सप्लेन करो, तो आप आ गया तो आप सोचोगे क्या लिख के आऊँ, एचआरएम को जो मैंने मीनिंग बताया वो लिखो। कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आएंगी, और यही चीज़ें फंक्शन भी है एचआरएम की, क्योंकि ऑफकोर्स कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ कि एचआरएम में एचआरएम किन किस चीज़ों के रिवॉल्व अराउंड कर रहा है, किस किस चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रहा है, वही चीज़ें तो उसकी फंक्शन भी होंगी, वही चीज़ें तो वो कर भी रहा होगा। तो परफॉर्म करता है बहुत सारे क्रिटिकल फंक्शन, ये फंक्शन डिजाइन होते हैं ताकि इंप्लॉय के पोटेंशियल को बढ़ा पाए, उनके एफर्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स से जोड़ पाए, और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाए। क्या क्या है, वही सारी चीजें हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना है, आपको पता है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कैसे करना है, बेस्ट फिट ढूंढना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको अट्रैक्ट करना है, कैसे करोगे, एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, इंटरव्यू कंडक्ट करो, फिर डिसीजन लो कि कैसे हम एक अच्छा इंप्लॉय अच्छी पोजिशन के लिए ला सकते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको देना है, जो भी ट्रेनिंग है, स्किल है, उसको और इन्हांस करो ताकि आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो उस चीज़ से, तो इसको भी मैनेज करना है। परफॉर्मेंस को देखते रहना है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, गोल सेट करने हैं जो वो अचीव करेगा। कंपनसेशन बेनिफिट, अच्छा सैलरी, अच्छे बोनस देने ताकि आप उसको रिटेन कर पाओ। ठीक है, इंप्लॉय के साथ रिलेशनशिप देखने हैं आपको, कि अच्छा वर्क इन्वायरमेंट हो, उसके कोई भी दुखड़े हैं उसको सुनो, उसको सॉल्व करो, और उसका
लोगों के साथ एनवायरमेंट अच्छा हो ताकि वो छोड़ के बच जाए. हेल्थ एंड सेफ्टी, अब देखो ये एक चीज और यहाँ पे दो चीज ला दो, हेल्थ एंड सेफ्टी पे भी आपको काम करना है. मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करने हैं हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी पॉलिसीज देखनी. ऐसा नहीं है आप ऐसे एनवायरमेंट में काम करा रहे हो जहाँ पे आग लग रही है या फिर कभी भी कोई भी छत से नीचे कूद गया गिर गया तो उसको हार्म हो गया, ऐसा नहीं करना है. आपको सेफ एनवायरमेंट देना है, ठीक है. इम्प्लॉय का एंगेजमेंट आपको इंश्योर करना है, ये भी एचआरएम फोकस करता है कि इम्प्लॉय जो है वो इंगेज हो, कमिटेड हो, उनके अंदर मोटिवेशन हो. ये सारी चीजें भी आप ओवरऑल क्या कर रहे हो, एचआरएम के अंदर मैनेज कर रहे हो. फंक्शन है एचआरएम का, एचआरएम इन सारी चीजों पे फोकस करता है. अगर आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हो तो उस ह्यूमन रिसोर्स से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की जितनी भी चीजें हैं आपको उन सारी चीजों पर काम करना है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, तो ये हमने डिस्कस किया है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या काम हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म करता है. आई होप कि आपको समझ में आया है. ये पहली वीडियो थी, पहला पार्ट था जिसमें हमने समझा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आखिर है क्या और क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या इसके फंक्शंस हैं. बेसिकली ये आपस में इन सारी चीज़ों को जो एक एम्प्लॉई लाइफ साइकिल है उसमें जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन सबको प्रॉपरली मैनेज करके एक परफॉर्मेंस देता है ताकि आपके जो भी गोल्स ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो पाए. तो आई होप कि समझ में आया. स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे. वीडियो को करेंगे लाइक, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब. थैंक यू.